सो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पे। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कई सारी फिल्मों के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं तीन वीडियो सॉन्ग देखा हूँ आज के डेट में, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले तो मैं सिंघम अगेन का सॉन्ग देखा, बजरंग बली वाला सॉन्ग, बड़ा कमाल का लगा। बीजीएम यार रवि बसरूट बहुत ही कमाल का सेट करे हैं, ठीक है, और अच्छा लगा। रणबीर सिंह को मतलब भगवान बजरंग बली जी के हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं, पर कव यूनिवर्स, पोलिस, सिंघम वो अलग जनरा था, अलग कुछ था वो, मतलब लोगों का रक्षा करना वो सारी चीज़ें था वहाँ पे। रामायण को यहाँ पे मतलब नई तरीके से ये लोग घुसड़े हैं, तो देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक बड़ा कमाल का लगा, और एक्शन वैक्शन जो भी देखने को मिला अजय देवगन सर को स्पेशली, उनका ऑरा कुछ अलग ही होता है जब वो सिंघम बन करके आते हैं, तो वो मुझे बहुत कमाल का लगा और सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा भूल भुलैया 3 का एक सॉन्ग देखा, एक रोमांटिक सॉन्ग आज के डेट में आया है। कार्तिक आर्यन का डांस मुझे काफी बढ़िया लगा, दोनों का जोड़ी काफी बढ़िया लगा। कार्तिक आर्यन ही डांस वांस सब कुछ कार्तिक आर्यन का ही चल रहा है वहां पे, पर सॉन्ग की बात करें तो मुझे एवरेज सा लगा यार, उतना दिल को नहीं छुआ, टू बी ऑनेस्ट। ओके, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पर मेरी बात अगर मैं करूं तो उतना खास नहीं लगा आज का जो सॉन्ग आया है, रोमांटिक सॉन्ग जो आया है। ओके, और एक सॉन्ग देखा जो कि आप लोग देख चुके हो, फिल्म भी देख चुके हो, देवरा का सॉन्ग, आयुधा पूजा सॉन्ग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरी फेवरेट सॉन्ग बन गया है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा जब फिल्म में भी मैंने देखा ना आयुधा पूजा सॉन्ग, मुझे बहुत कमाल का लगा। उस तरह का म्यूजिक और स्पेशली जूनियर इंडिया का जो डांस है, जो मतलब अलग किस्म का जो है, वो बहुत अच्छा लगा। ओके, तो आयुधा पूजा सॉन्ग फिर से मैंने देख करके भी मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। तो गाइस चलिए अभी हम अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पिरिट मूवी के बारे में। स्पिरिट का शूटिंग का अपडेट आया है कि फिल्म का शूटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी 2025 अप्रैल से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अप्रैल तक में भी फौजी मूवी का शूटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि और 30-40 दिन बचता है राजा साहब मूवी का शूटिंग। वो कंप्लीट होने के बाद वो डार्लिंग प्रभास जो है फौजी मूवी में जुड़ जाएंगे और अप्रैल तक शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो स्पिरिट मूवी में काम करेंगे, और बोला जा रहा है कि स्पिरिट में वंस वो काम स्टार्ट कर दे तो कोई भी फिल्म में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें लुक कुछ ऐसा है। ओके, लुक कुछ ऐसा है, देखते हैं क्या हो रहा है। और एक बार ऑफिशियल तरीके से संदीप रेड्डी वांगा जो है रिवील कर दिए हैं कि ये एक पुलिस स्टोरी होने वाली है, एक करेजियस पुलिस स्टोरी, मतलब एक दमदार पुलिस अफसर को हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है हमारा सलार मूवी को लेकर के, कि सलार मूवी जो री रिलीज हुआ है यूएसए में, वहां पे ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है, प्रीसेल्स हो रहा है, जो कि ओरिजिनली $10 मिलियन तक का कमाई करने के बाद अभी फिर $10K तक का कलेक्शन हो रहा है वहां पे, तो बहुत बड़ी बात है कि री रिलीज होने के बाद भी फिल्म को इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है। कल फिल्म रिलीज हो रहा है वहां पे, मतलब री रिलीज हो रहा है वहां पे, और उसका प्रीसेल्स बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है मेरे भाई। अभी हम बात करते हैं राजा साहब मूवी के बारे में, डार्लिंग प्रभास की। अगर राजा साहब मूवी के बारे में आज एक और पोस्टर हमें देखने को मिला है, वहां पे वो लोग कल ही इज अराइविंग टुमारो ऐसा कुछ लिखा गया है वहां पे, लेकिन टीजर आएगा, सॉन्ग आएगा, उसके ऊपर कोई भी मतलब ये लोग खुलासा नहीं करे हैं, लेकिन एक पोस्टर दे दिया है एक थ्रोन का, जो कि थ्रोन उल्टा है, घर सीधा है, घर सीधा करोगे तो थ्रोन उल्टा है, कुछ इस तरह का मिस्टीरियस टाइप का एक पोस्टर दिया है, और पोस्टर एकदम से हॉरर पार्ट को दिखा रहा है और कमाल का लग ही रहा है। वहां पे ये लोग कैप्शन भी लिखे हैं कि सिंहासन में बैठने वाला, मतलब जो पैदा हुआ है वो आ रहा है, सिंहासन में बैठेगा, वो शासन करेगा, कुछ इस तरह का है, मतलब सिंहासन को लेकर के ही फिल्म का कहानी जो है इर्द गिर्द घूमने वाला है। इसी वजह से टाइटल जो है राजा साहब है, राजा महाराजा टाइप का, वैसा वाला थ्रोन का भी ये लोग दिखाए हैं। ओके, पर मोस्ट प्रोबेबली सॉन्ग आ सकता है या फिर टीजर आ सकता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टीजर आएगा कल के डेट में, और उसी टाइम को आ सकता है जिस टाइम पे ये लोग पोस्टर छोड़ रहे हैं, मतलब 4:05 को आज भी उसी टाइम पे पोस्टर आया है, तो उसी टाइम पे शायद हमें टीजर कल देखने को मिल जाएगा। टाइम ये लोग नहीं बताए हैं, शायद कल बता देंगे, फिर अपडेट हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं वॉर 2 मूवी के बाद क्रिस 4 मूवी आ रहा है भाई, ऋतिक रोशन का, ठीक है। वॉर 2 मूवी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो क्रिस 4 मूवी के साथ काम करेंगे, मूवी के लिए काम करेंगे, और फिल्म के डायरेक्टर होंगे सिद्धार्थ आनंद। उसके मतलब सिद्धार्थ आनंद के पास ऋतिक रोशन गए थे, उनके साथ बातचीत करे हैं, और कुछ मतलब एक्शन ब्लॉक्ड हो गया, फिल्म का कुछ सीन्स वगैरह जो है उसको लॉक्ड भी कर दिया कि ऐसा ही करेंगे, ठीक है, ऐसा ही करेंगे, उसको लॉक भी कर दिया, जो कि वॉर 2 मूवी का शूटिंग कंप्लीट हो गया वंस, तो वो जाकर के सीधा जुड़ जाएंगे क्रिस 4 मूवी के सेट में, और उसको डायरेक्शन देंगे सिद्धार्थ आनंद। अब इसके लिए कितना एक्साइटेड हूं, सिद्धार्थ आनंद सुपर हीरो को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे भी वॉर मूवी तो भाई वैसा वाला ही सीन था, मजा आएगा,
ठीक है, मतलब वर का वही कॉम्बिनेशन, वर मतलब ऋतिक रोशन सिद्धार्थ आनंद, बहुत ही कमाल लगेगा, लग ही रहा है। ओके, तो क्रिस फोर के लिए आप कितना एक्साइटेड हो जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट अपडेट है उसी सिद्धार्थ आनंद को लेकर के, जो कि रणबीर कपूर को लेकर के वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं, वो स्टैंड अलोन फिल्म होगा और वो अपनी जो प्रोडक्शन हाउस है मर्फ्लिक्स, जो उनका जो प्रोडक्शन हाउस है उसी प्रोडक्शन हाउस के तले वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसका हीरो होंगे रणबीर कपूर। ये एक बहुत ही खतरनाक एक्शन ब्लॉक फिल्म होने वाली है। येलर 2 मूवी को लेकर के बड़ा ही कमाल का धांसू अपडेट देखने को मिला है। जेलर मूवी आप देखे होंगे, नेल्सन डायरेक्टेड, रजनीकांत सर का फिल्म, भाई क्या ही मतलब कमाल का लगा था। तो इसका सीक्वल आ रहा है, मतलब जेलर 2 मूवी आ रहा है, और इस फिल्म में कौन जुड़ रहे हैं बताओ? धनुष। भाई ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है यार, दोनों को मतलब एक साथ देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ी कमाल की प्रेजेंट मतलब ट्रीट होगा हम सभी के लिए। ओके, तो जेलर 2 मूवी में धनुष और रजनीकांत सर दोनों आ रहे हैं और नेल्सन इस फिल्म को डायरेक्शन देंगे। फिल्म कब तक स्टार्ट होगा, कब तक देखने को मिलेगा, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, पर इतना अपडेट आया है कि धनुष इस फिल्म में जुड़ रहे हैं। आप कितना एक्साइटेड हो दोनों को एक साथ देखने के लिए, स्पेशल कमेंट जरूर करिएगा। अभी हम बात करते हैं पुष्पा 2 मूवी के बारे में। भाई पुष्पा 2 मूवी का अपडेट्स तो आज सभी को डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि इसका प्री रिलीज बिजनेस इतना जबरदस्त हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं, 1000 करोड़ से ज्यादा तक का प्री रिलीज बिजनेस हुआ है, 1065 करोड़ समथिंग हो रहा है, जो कि थिएटिकल राइट्स जो है उसका 640 करोड़ में बेचे गए हैं और नॉन थिएटिकल राइट्स जो है 425 करोड़, जिसमें से नेटफ्लिक्स अकेला 275 करोड़ तक का भुगतान किया है मेरे भाई। तो इतना खतरनाक प्री रिलीज बिजनेस हुआ है, जरा सोचो। ओके, लेकिन रिफंडेबल है, फिल्म उतना कलेक्शन नहीं कर पाएगा तो उनको रिटर्न करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का शर्त है। ओके, मतलब कल्कि, सलार, इन सारी फिल्मों की तरह, मतलब वहां पे क्या होता था कि एकदम से बेच दिए, फिल्म चले ना चले डजंट मैटर, बेच दिए प्रोडक्ट। ओके, मतलब जो सलार का या फिर कल्कि का जो 700-800 करोड़ तक का जो हुआ था प्री रिलीज बिजनेस, तो वो एकदम से प्रोडक्ट को बेच दिए थे। डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का कोई डिमांड नहीं था कि फिल्म अगर नहीं चलेगी, उतना कमाई नहीं करेगी तो रिटर्न करेंगे मेकर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो रिफंडेबल है। अगर पुष्पा 2 मूवी उतना कलेक्शन नहीं कर पाया, मान लो कि जहाँ पे जिस डिस्ट्रीब्यूटर से जितना पैसा आया है, वो पैसा अगर पुष्पा 2 मूवी कलेक्शन नहीं कर पाया, तो मेकर्स को उतना उनको लौटाना पड़ेगा। उतना पूरा तो नहीं, पर परसेंटेज के हिसाब से एक रिफंडेबल डील हुआ है वहां पे, कुछ इस तरह का सीन है, ठीक है। लेकिन भाई प्री रिलीज बिजनेस 1065 करोड़ तक, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा डिमांड है और कितना बड़ा ये है। और पुष्पा 2 मूवी का क्रेज, पुष्पा 2 मूवी सिक्वल मूवी है, 4 सालों से लोग इंतजार करके बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं भाई इंतजार करके कि ये फिल्म देखना है, पुष्पा भाव की कहानी को आगे लेकर के जाना है। तो 1100 मतलब 1065 करोड़, मतलब 1100 करोड़ क्या है, आराम से हो जाएगा। अभी तो मतलब हो रहा है ना, फिल्म अगर लोगों को कनेक्ट हो जा रहा है तो 1000 करोड़ आराम से हो ही जा रहा है, तो पुष्पा 2 मूवी आराम से 1000 करोड़ से ऊपर जाएगा और ये जो प्री रिलीज बिजनेस जो है इसको जस्टिफाई जरूर करेगा। आप जरूर कमेंट करना कि इस फिल्म का ओवरऑल लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है। और वैसे भी फिल्म सोलो रिलीज होगा बोल करके भी बताया जा रहा है कि छावा मूवी जो है वो पोस्टपोन्ड होगी आगे चल करके, और फिल्म जो है सोलो रिलीज हो रही है, तो नॉर्थ साइड पे भी जबरदस्त कलेक्शन करेगा, तो पुष्पा 2 मूवी आराम से ये जो प्री रिलीज बिजनेस का अमाउंट है इसको क्रैश कर लेगा। ओके, आपको क्या लगता है इसके ऊपर जरूर कमेंट करिएगा। और एक कमाल का अपडेट हमारे पास पहुंचा है आमिर खान सर को लेकर के, कि आमिर खान एक फिल्म बनाने जा रहे हैं अनुराग कश्यप के साथ, जो कि बायोपिक होगा किशोर कुमार साहब का, सिंगर, ठीक है। ये बहुत कमाल का लगेगा, अरे इसका म्यूजिक बहुत अच्छा लगेगा और आमिर खान इनको मतलब बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट भी करेंगे। ओके, तो ये एक्चुअली डिस्कशन मोड पे है, आगे चल करके होगा कि नहीं होगा बाद में पता चलेगा, पर डिस्कशन चल रहा है कि आमिर खान किशोर कुमार बन करके एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसको डायरेक्शन करेंगे अनुराग कश्यप, ठीक होगा ये? जरूर कमेंट करना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 लाख तक पहुंचा दो भाई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।